उपायुक्त ऋत्वेक ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए काम किया जाएगा। पहले सितंबर से शुरू हुआ ये अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा तथा इस दौरान मतदाता सूचियों में विसंगतियों को दूर कर पूर्ण रूप से शुद्ध बनाया जाएगा। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए काम किया जाएगा। पहली सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा तथा इस दौरान मतदाता सूचियों में विसंगतियों को दूर कर पूर्ण रूप से शुद्ध बनाया जाएगा। उन्होंने यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत हर मतदाता संबंधित मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है। कोई भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के जरिए या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से सूची में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है। इसके अलावा लोक मित्र केंद्र जाकर अथवा निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी एसडीएम कार्यालय में स्थापित मतदाता सहायता केंद्र में जाकर सत्यापन करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाता वोटर हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकते हैं। मतदाता सूची में प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा बताए दस्तावेजों में से किसी एक को उपरोक्त माध्यमों से अपलोड करना होगा। इन दस्तावेजों में भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण पत्र, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों के जारी पहचान पत्र, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड के अलावा भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य दस्तावेज शामिल है। इनमें से किसी एक दस्तावेज को सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि इस अवधि में बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची में दर्ज नाम, घर, पते, आयु, लिंग, फोटो, स्थायी रूप से स्थान, त्याग या मृत्यु इत्यादि का सत्यापन करेंगे और विसंगतियों एवं त्रुटियों को दुरुस्त करेंगे। साथ ही प्रत्येक घर की जीआईसी मैपिंग भी की जाएगी। 1 जनवरी 2020 को अहर्ता तिथि मनाते हुए नए मतदाताओं का ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। जिले में इस काम के लिए 1123 बीएलओ और 117 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। मंडी जिले के सभी 499 लोक मित्र केंद्रों पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हर एसडीएम कार्यालय में वोटर सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उपायुक्त ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संस्थाओं में मतदाता सूचियों में पात्र लोगों के नाम दर्ज करवाने, विद्यमान प्रविष्टियों में संशोधन करने और अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग की अपील की है। उसको पहले ही उसको ठीक करें और एक अच्छा इलेक्टोरल रोल हमारे पास, हेल्दी इलेक्टोरल रोल हमारे पास तैयार है। इस विषय में 1 सितंबर से ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, तो 1 सितंबर को जो हमने प्रेस रिलीज भी आपको दी थी, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाए थे, उस दिन हमारे सभी पोलिंग बूथ में हमारे बूथ लेवल अधिकारी बैठे हुए थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने इसको लॉन्च किया था, स्टेट लेवल पे भी लॉन्च किया था। आइडिया उसकी ये है कि इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी हो ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का ड्राइव चला हुआ है जिसमें कि अपनी जो भी कमियां हैं उसको पूरी किया जाती है। कहीं मेल फीमेल का प्रॉब्लम आता है, कहीं नाम की जो दिक्कतें आती है, क्योंकि ये जो इलेक्टर जो एपिक कार्ड होता है उसका यूज़ भी बहुत जगह पर होता है, तो लोग चाहते भी है कि एपिक कार्ड जो इशू हो वो उसमें कोई गलतियाँ ना हो। तो कई जगह पर किसी लेडी का नाम है तो उसमें कहीं कहीं कुमारी लिखा होता है, कहीं देवी लिखा होता है नाम के आगे, तो वो भी लोग चाहते हैं कि एक जैसा नाम हो, क्योंकि जब इलेक्टर एनरोलमेंट करने की बारी आती है तो तभी जल्दबाजी में नाम हो जाता है या कुछ चढ़ने में भी कुछ गलतियां रह जाती है, तो लोग चाहते हैं कि सब जगह पर एक नाम एक समान हो, जैसे आधार कार्ड में भी वही नाम हो, इसमें भी यही नाम हो। तो ये नाम को अगर रेक्टिफाई करना है तो ये उचित समय है जिसमें कि इसको कर सकते हैं, और अभी हम जब इलेक्शन के पीरियड में नहीं है उस टाइम पे इसको करें ताकि जब इलेक्शन हमारा कभी भी होता है तो हमारे पास एक हेल्दी इलेक्टोरेट हो। तो फर्स्ट को हमने वो सभी जगह पर सभी बूथ में हमारे बीएलओस बैठ के उन्होंने इसका शुरुआत की थी, और आने वाले दिनों में अब 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वो हर घर पे जाएंगे और जो ये एक्टिविटीज़ बता रहे थे नायब साहब, इसमें कि वहाँ के हर हाउस होल्ड में विजिट करके तो जीआईएस मैपिंग भी उसकी लेनी है ताकि हर हाउस होल्ड उसमें मैप हो जाए, घर भी जितने भी लोग हैं उसको ये किया जाए, प्लस जो नए हमारे मतदाता इसमें जुड़ने वाले हैं उनकी भी एक सरसरी जानकारी वो लें, क्योंकि इसके बाद हमारा स्पेशल समरी रिविजन शुरू हो जाएगा, ये अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाएगा,
15 अक्टूबर के बाद स्पेशल समरी रिवीजन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उस समरी रिवीजन में जो हमारा डेट ऑफ एनरोलमेंट होगा दैट विल बी 1/1/2020। तो 1/1/2020 तक जितने भी लोगों ने 18 साल पूरे किए हैं उनको फिर शामिल किया जाएगा उस समरी रिवीजन में। तो BLOs जब क्योंकि अभी डोर टू डोर विजिट करेंगे तो अभी ही वो जानकारी कलेक्ट करें ताकि उनकी एनरोलमेंट की जाए। एज ऑफ नाउ तो अभी जिन लोगों ने 18 साल अभी पूरे किए हैं उन्हीं को जो है वो डोर टू डोर में जोड़ा जा रहा है। तो स्पेशल समरी रिवीजन में आगे के लोग हैं उसको जोड़ेंगे, क्योंकि जो लिस्ट निकलेगी स्पेशल समरी रिवीजन के बाद वो रिलीज हमारी होगी लगभग जनवरी के 10 तारीख के आसपास। तो एज अ प्रीकर्सर टू दैट एक्टिविटी ये एक स्पेशल ड्राइव इलेक्शन कमीशन ने चलाई थी, न्यू इनिशिएटिव, और इसलिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये भी थी मैक्सिमम पब्लिसिटी आप लोगों के माध्यम से इसमें हो। और पूरा विश्वास है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद